दक्षिण भारत में मानसून सक्रिय होने के बाद भी राजस्थान में गर्मी अपने रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। जून में पारे ने तीसरी 50 लगाई है और प्रदेश के इतिहास में पहली बार जून में पारा तीन बार 50 के आंकड़े तक पहुंच चुका है। 50 डिग्री पारे के साथ धौलपुर देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है। ये लगातार पांचवा दिन है जब धौलपुर का पारा देश में सबसे अधिक रहा और इसी बीच गर्मी जानलेवा हो गई। लू से प्रदेश में एक ही दिन में 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं श्रीगंगानगर में दिन का तापमान 48.5 डिग्री, चूरू और कोटा में 48.3, बीकानेर में 48.1 और फलौदी में 48.0 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा राजधानी जयपुर में भी सीजन में दूसरी बार पारा 45.8 डिग्री पहुंच चुका है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। जून में पारे ने लगातार तीसरी 50 लगाई है। आपको बता दें कि एक ही दिन में 5 लोगों की मौत की भी गर्मी से खबर आ रही है और राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ भी करीब पारा 45 डिग्री तक बना हुआ है। तो वहीं धौलपुर देश का सबसे गर्म शहर लगातार बना हुआ है। पांचवा दिन है और भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। जून में पारे ने तीसरी 50 लगाई है और भीषण गर्मी से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं और बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि धौलपुर की बात करें तो देश का सबसे गर्म शहर लगातार बना हुआ है धौलपुर और प्रदेश में एक ही दिन में 5 लोगों के गर्मी से मौत की खबर आई है। आपको बता दें कि धौलपुर देश का सबसे गर्म शहर लगातार बना हुआ है। पूरा जनजीवन भीषण गर्मी से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। जून के महीने में पारे ने तीसरी 50 लगाई है। राजधानी की बात करें तो यहां पर भी पारा 45 डिग्री के करीब लगातार बना हुआ है। धौलपुर देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है लगातार। और आपको बता दें कि दक्षिण भारत में मानसून सक्रिय हो चुका है और उसके बाद भी राजस्थान में गर्मी रोज अपने नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। जून की बात करें तो पारे ने तीसरी 50 लगाई है और प्रदेश के इतिहास में पहली बार जून में ये पारा तीन बार 50 के आंकड़े तक पहुंच चुका है। और 50 डिग्री पारे के साथ धौलपुर की बात करें तो देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है और ये लगातार पांचवा दिन है जब धौलपुर का पारा देश में सबसे अधिक रहा है और इसी बीच गर्मी भी जानलेवा हो गई है और लू से प्रदेश में एक ही दिन में 5 लोगों की मौत भी हो गई है। श्रीगंगानगर की बात करें तो यहाँ पर दिन का तापमान 48.5 डिग्री है, चूरू और कोटा में 48.3, बीकानेर में 48.1 और फलौदी की बात करें तो 48.0 डिग्री यहां पर पारा दर्ज किया गया है। इसके अलावा राजधानी जयपुर में भी सीजन में दूसरी बार भी पारा 45.8 डिग्री पहुंच चुका है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ A1 संवाददाता राकेश गुर्जर फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी राकेश, बताएं कहां कितना पारा बना हुआ है और किस तरह की परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही है। देखिए लवीना, हम ताजा चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार गर्मी का असर प्रदेश में देखा जा रहा है उसी बीच एक बार फिर से घर पर भीषण गर्मी का दौर शुरू हुआ है, जिसमें धौलपुर की अगर बात कर ले तो यहाँ पर 50 डिग्री से पारा ऊपर चला गया है। अगर बात चूरू की कर ले तो यहाँ पर 48 डिग्री से ऊपर जो तापमान है वो चल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। बात करते तो दो तीन बार 50 दोपहरा है मार चुका है और दक्षिण भारत में लगातार जो मानसून सक्रिय है, इधर अगर राजस्थान की अगर बात कर ले तो जो गर्मी है रोज ने रिकॉर्ड तोड़ रही है। प्रदेश में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जो पारा है 50 डिग्री को पार कर चुका है। और साथ ही अगर बात कर ले चूरू की तो चूरू के यहाँ पर तापमान है वो 48.3 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया है। फतेहपुर की अगर बात कर ले तो 43 डिग्री से ऊपर चला गया है। धौलपुर में 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और साथ ही फिर गंगश्री गंगा नगर की बात कर ले क्योंकि ये भी पूरे देश का दूसरा गर्म शहर है। तो जी राकेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, जून में पारे ने तीसरी 50 लगाई है और लगातार भीषण गर्मी का सितम जारी है। आपको फिर से बता दें कि दक्षिण भारत में मानसून सक्रिय होने के बाद भी राजस्थान में गर्मी अपने रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रही है और जून में पारे ने तीसरी 50 लगा दी है। प्रदेश में अगर इतिहास की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जून में पारा
तीन बार 50 के आंकड़े तक पहुंच चुका है और 50 डिग्री पारे के साथ धौलपुर अभी तक भी देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है और ये लगातार पांचवा दिन है जब धौलपुर का पारा देश में सबसे अधिक रहा। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ A1 संवाददाता धौलपुर से मुनेश आकरे हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। जी मुनेश, बताएं किस तरह की परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही है। जी लवीना, मैं बता दूं कि धौलपुर जिले में रविवार को देश का सबसे अधिक मौसम रहा, वहीं 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आज सुबह से ही जो हवाएं हैं वो बहुत तेज है और गर्म भरी हवाएं हैं और इस गर्मी के मौसम में सभी को जगजोर करके रख दिया है। जी मुनेश, ये बताएं कि क्या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी चीजें देखी जा रही है जिससे गर्मी से राहत मिल सके? जी लवीना, मैं बताना चाहूंगा कि जो नगर पालिका है धौलपुर की ओर से अब सड़कों पर छिड़काव, पानी का जो छिड़काव है वो शुरू कर दिया गया है जिससे कि थोड़ी बहुत राहत मिल सके इस गर्मी के मौसम में जो राहगीर है उनको। जी जी मुनेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें कि प्रदेश में ही नहीं देश में भी भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है और धौलपुर अब भी देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है।